वेलकम टू एवरीवन, समृद्धि जी चैनल में सभी के दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा आज जो क्वेश्चन वगैरह आए थे तो एक एक करके मैं सॉल्व करने वाली हूँ यहाँ पे। और एक क्वेश्चन में बहुत मतलब हार्ड टच लगे, एक पर्सन जो मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे, सच में मेरा नोटिस में नहीं आए, मेरा टाइम ही नहीं मिला कि उसका मतलब जो मेल वगैरह आए तो उसका वीडियो बना रहे थे बाद में, लेकिन उसका थोड़ा रिप्लाई कर दे। सच में जिसे समय मांगती हूँ अभी तक नहीं देखे, इसीलिए वो मेरा पर्सन था एक आपका शिवचंद्रा चौधरी। शिवचंद्रा चौधरी वो दिल्ली से है, मेरा मैसेज किया है मुझे कि मैम बहुत ज़्यादा उसका मतलब ओबेसिटी है, ओबेसिटी के कारण उसका जो पाव है पाव के अंदर छुलझा हुआ एक पेन हो रहा है बहुत दिन से, तो क्या करें। और उसका कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ में नहीं है, कोई इसी तरह बीमारी है, लेकिन इतना ओबेसिटी है उसके अंदर, इतना हेल्दी है वो कि उसका हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, शुगर मतलब रेड लेवल तक आपका आ चुका है, बहुत सारा बीमारी उसके अंदर घुस रहा है। तो इसलिए आयुर्वेदिक किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे बोले थे। तो देखिए डॉक्टर के तो वो टच अप है ही, लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक एक चीज़ जस्ट वन चीज़ मैं उसको सजेस्ट करने वाली, वो क्या चीज़ ये, इसके लिए आज का मेरा ये वीडियो है। तो जो चीज़ भी उसका मैं देने वाली हूँ, सभी जो जिनके पास ओबेसिटी है सभी इंटेक कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है कोई। लेकिन शिवचंद्र चौधरी आपको मैं डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ, डॉक्टर के पास सलाह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं। मैं जस्ट वन इंग्रीडियंस आप लोगों के आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ, वो खाने के बाद आप मुझे एक महीने के बाद या 15 दिन के अंदर आप मुझे मैसेज करना कि आप कैसे हैं अभी। तो आज का जो मेरी वीडियो शिवचंद्र चौधरी के लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन सभी वीडियो सभी मेरा परिवार के लिए, सभी जान पाए कि ये क्या चीज़ है, जस्ट ओबेसिटी रुकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बनता है, और मेरा साथ बढ़ने के लिए, मेरे परिवार को बढ़ाने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए। और जिन जिन पर्सन में फैमिली परिवार में इंक्लूडिंग है, तो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह हम रहते हैं। तो अगर कोई पर्सन मेरा फैमिली मेम्बर नया है, जिन जिन पर्सन नया फैमिली मेम्बर बन चुका है, क्योंकि मेरा नया फैमिली जो मेम्बर है फैमिली में, मैं देख रही हूँ कि बहुत नया पर्सन मेरा फैमिली के साथ ऐड हो चुके हैं, तो सभी के लिए दिल से शुक्रगुजारी। और हाँ, आज का मेरा वीडियो वॉच कीजिए और देख, आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रीडियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सच में वो इंग्रीडियंस मैं खुद यूज़ करती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है वो। सच में दिखा देती हूँ, ये बहुत सारे पर्सन इसको पहचानते हैं, बहुत सारे पर्सन पहचान लीजिए, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है। सच में डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, सभी पेशेंट ये ले सकते हैं। आप बोलेंगे इसका नाम क्या है, हम सभी जानते हैं फ्लेक्सिट। हाँ, फ्लेक्सिट जो आपका तीसरी बीज का जो नाम से पहचानती हो हम लोग सभी। तो सच में ये फ्लेक्सिट इतना इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंस है शरीर के ठीक रखने के लिए, हम बहुत सारे पर्सन ये नहीं जानते। बहुत सारे मतलब तरह ये पका के हम खा सकते हैं, कोई रोस्ट ड्राई रोस्ट करके पेस्ट करने के बाद खा सकते हैं, ऐसे ही 1/4 सब ग्लास ऑफ वाटर में भिगो के रख दीजिए, सुबह उठने के बाद वो एंटी स्टमक पी लीजिए, या फिर योगर्ट के साथ वो ड्राई करके पेस्ट करने के बाद 1/4 स्पून इस पर ऐड कर लीजिए। सच में जिन जिन पर्सन का आपका 5th या 6th ईयर ओवर हो चुका है, वो बच्चों को भी हम ये फ्लेक्सिट दे सकते हैं, थोड़ा सा करके 1/2 टीस्पून, छोटा उसके आपका 1/2 टीस्पून हम उसको दे सकते हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है शरीर सुस्त रहने के लिए। इसमें मतलब इतना ज़्यादा आयरन है, जिन जिन पर्सन का 5th या 6th ईयर बच्चों का ओवर हो चुका है, अगर आयरन डेफिशिएंट रहते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जिन जिन पर्सन का ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, वो तो 1 नंबर अगर कोई खाने का चीज़ है वो है आपका फ्लेक्सिड। तो शिवचंद्रा चौधरी आपको लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, रात को आपका सारा रात 1 टीस्पून 1 ग्लास वाटर में, वार्म वाटर में भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठने के बाद एंटी स्टमक वो खा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ड्राई करके रोस्ट करके आपका मान लीजिए कि मिक्सर ग्राइंडर में इस पर या फिर घी तक पेस्ट करने के बाद एक डब्बे में भर के रख दीजिए, 1 टीस्पून भिगो के रखने के बाद वही आपको खाना है। क्योंकि देखिए आपका शुगर लेवल आपका रेड लेवल तक आ चुका है, जिन जिन पर्सन का आपका मान लीजिए कि शुगर नॉर्मल है वो डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन जिन जिन पर्सन का शुगर रेड लेवल तक है या फिर शुगर पेशेंट है वो भिगो के खाए तो उसके लिए अच्छा होगा।
तो इसीलिए आप सारा रात भिगो के रख दीजिए। सुबह उठने के बाद एंटी स्टमक वो ही आपको खाना चाहिए। खाने के बाद एक घंटा या फिर आधा घंटा के लिए छोड़ लीजिए, कुछ भी नहीं आपको इंटेक करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आधा घंटा बाद एक ग्लास वाटर खाना पड़ेगा, फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए, किसी तरह लंच वगैरह कुछ भी ले लीजिए। लेकिन ये चीज़ आप खाने के बाद मुझे 15 दिन के अंदर मैसेज करना, थोड़ा सा आपका रिलीफ हुआ कि नहीं पेन के ऊपर, और ओबेसिटी या फिर वेट लॉस थोड़ा सा हुआ कि नहीं। अब 100% मैं गारंटी देती हूँ ये होगा, सच में मान के देखिए। आप डॉक्टर से पूछ लीजिए आप खा सकते हैं कि नहीं, वो भी 100% बोलेंगे कि हाँ आप आँख बंद करके ले सकते हैं। तो इसलिए यूज़ करने के बाद मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दिल से थैंक्स, आज के लिए इतना से, थैंक यू सो मच।